बेन स्टोक्स कमाल के क्रिकेटर लॉर्ड्स में खत्म हुए एशेज 2023 के दूसरे टेस्ट में उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की और उनकी इस पारी को विराट कोहली की सराहना भी मिली। तमाम फैंस के साथ कोहली भी स्टोक्स की बैटिंग से काफी प्रभावित दिखे। कोहली ने ट्वीट किया, मैंने मजाक में बेन स्टोक्स को मेरे खिलाफ खेला सबसे कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं कहा था। हाईएस्ट क्वालिटी वाली पारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत ही अच्छी टीम है। अब बात स्टोक्स की करें तो उन्होंने इस टेस्ट में 155 रन की बेहतरीन पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर की 13वीं सेंचुरी है। हालांकि इसके बाद भी वो इंग्लैंड को मैच नहीं जिता पाए। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से मैच जीत सीरीज में 2-0 की लीड ले ली। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 45 पर 4 विकेट खो चुकी थी और फिर जब जॉनी बेयरस्टो रन आउट हुए तो स्कोर 193 पर 6 विकेट हो गया। लेकिन इसके बाद स्टोक्स ने कमाल कर दिया। नंबर 6 पर खेलने उतरे स्टोक्स 126 गेंदों पर 62 रन बनाकर खेल रहे थे और फिर अगले 21 गेंदों पर उन्होंने 46 रन कूट डाले। इस कुटाई में सबसे ज्यादा मार कैमरन ग्रीन को पड़ी। उन्हें चौकों के साथ छक्के भी पड़े। ग्रीन को लगातार 3 छक्के मार स्टोक्स ने अपनी सेंचुरी पूरी की। उन्हें थोड़ा भाग्य का साथ भी मिला। 114 के निजी स्कोर पर स्टीव स्मिथ ने उनका कैच कराया। हालांकि उसके बाद वो 155 के निजी स्कोर पर आउट हो ही गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड बना लिए। उनकी ये सेंचुरी साल 2009 के बाद लॉर्ड्स पर किसी इंग्लिश कप्तान द्वारा लगाई गई पहली एशेज सेंचुरी है। साथ ही साल 2017-18 में स्मिथ के 239 रन के बाद किसी कप्तान की पहली एशेज सेंचुरी भी है, जबकि इंग्लैंड में किसी कप्तान द्वारा आखिरी एशेज सेंचुरी 2013 में लगी थी, जब माइकल क्लार्क ने दी ओवल में 187 रन मारे थे। मैच की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रन पर खत्म हुई। स्टीव स्मिथ ने 110, ट्रेविस हेड ने 77 और डेविड वॉर्नर ने 66 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में 325 रन ही बना पाया। विन डकेट ने 98, हैरी ब्रूक ने 50, जैक क्राउली ने 48 और ओली पोप ने 42 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 279 रन बनाकर इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया। इस पारी में स्टोक्स के अलावा सिर्फ बेन डकेट ही टिक पाए। डकेट ने 83 रन की पारी खेली। सीरीज का तीसरा टेस्ट अब 6 जुलाई से हेडिंगली में खेला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।